फलौदी से राजेश थानवी की रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फलौदी के तत्वाधान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार की कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस टंकी मूल्य वृद्धि, खाद्यान्न बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरुद्ध में पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर करवाकर विरोध प्रदर्शन किया व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी को देकर बढ़ती महंगाई को वापस लेने की मांग की गई। इसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, अग्रिम संगठन व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण व कांग्रेसजनों ने भाग लिया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फलौदी इसमें गोपाल व्यास ब्लॉक अध्यक्ष, कुंभ सिंह पातावत, पन्नालाल व्यास लघु पार्षद, सलीम नागौरी, मानक मेघवाल, अशोक बोहरा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, समूह खान, मोहम्मद अली, यस जोशी, महेंद्र थानवी, दिलीप चौहान सहित सैकड़ों कांग्रेसजन उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज जो महंगाई के जो केंद्र सरकार ने लोगों पे भार जो डाला है, तेल है वो घी के भाव हो गया है, स्थिति ये हो गई है कि पेट्रोल और डीजल शतक पार कर गया। जो सत्ता में ये आए थे तब रोज़ ये भाषण देते थे कि कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ गई है, 100 दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज जो स्थिति हो गई है, जो बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई जो गांव में आम आदमी की जो स्थिति महंगाई के कारण हुई है कि 2 टाइम की वो रोटी नहीं खा सकता। सरकार जो केंद्र सरकार है इसके बारे में बिल्कुल ही कोई भी कदम नहीं उठा रही है, आंखें मूंद ली है, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, जबकि इनके भाषणों का कोई सार देखा जाए तो इन्होंने एक भी काम अच्छा नहीं किया है। नोटबंदी से लेकर आज तक जो दुनिया की हालत हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, दर दर लोग, युवा लोग भटक रहे हैं, पैसे भरकर रोजगार नहीं है लोगों के पास और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इसलिए राज्य सरकार ने इसके खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटियां जो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और ये सरकार, केंद्र सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ मात्र चुनाव में उल्टे सीधे भाषण देके लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटकर सत्ता हासिल करना चाहती है। इसलिए आज फलौदी में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाया जा रहा है। महंगाई बढ़ी है और केंद्र में मोदी सरकार आई है उसके पश्चात जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, आज पेट्रोल 110 रुपए के करीब पहुंच गया है, डीजल 101 रुपए के करीब पहुंच गया है, जिससे आम जनता की कमर तोड़ दी है। और पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से जो ट्रांसपोर्टेशन के भाव बढ़ गए हैं, जिससे खाद्य पदार्थों पर भी असर पड़ा है और आम जनता को, मध्यम वर्ग है चाहे निम्न वर्ग है, उनको खाद्य सामग्री खरीदने में ज़बरदस्त दिक्कत आ रही है। इस प्रकार पूरे देश के हालात इस पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से हो गए हैं। जबकि जीडीपी की स्थिति देखें तो पहले जो मनमोहन सिंह सरकार में जीडीपी की स्थिति थी और आज जिस प्रकार से ग्रेविटी है, उससे ये पूर्णतः साबित है कि केंद्र सरकार और के नेतृत्व, केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है, वो पूर्णतः देश में आर्थिक मैनेजमेंट करने में असफल रही है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर आज पूरे राजस्थान में धरने और प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा फलौदी में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और मांग की जा रही है, राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जा रही है कि बड़ी हुई तेल पेट्रोल की कीमतें वापस लें और